हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉय जिकवे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है सब्जेक्ट मैथ्स से, मैथमेटिक्स यानी जिसे हम गणित के रूप में जानते हैं, समझते हैं। हमने मैथमेटिक्स की सीरीज को स्टार्ट लिया हुआ है, प्रारंभ किया हुआ है, ताकि हमारे जितने भी मित्रगण हैं, डियर एंड लवली स्टूडेंट्स हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम फेस आती है बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत, कि आखिर हम कैसे इस मैथ्स को सॉल्व करें, हल करें, तो हमने उसी नजरिए से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ की इस सीरीज को प्रारंभ किया हुआ है, जिसका ये तीसरा या चौथा वीडियो हो सकता है। हमारे जितने भी वीडियोस चल रहे हैं उनको आप भली भांति ध्यान से देखते रहिएगा, ताकि इन सब्जेक्ट्स का, इन मैथमेटिक्स के तहत हम जो चीजें ले रहे हैं उनका सही कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में एडजस्ट हो जाए, सेट हो जाए, और जब आप आने वाली परीक्षाओं में अपियर हों, बैठें, तो आप उनको यानी सवालों को जो भी हम मैथमेटिक्स के तहत आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पलक झपकते ही कर दें, यानी बहुत जल्दी कर दें, ताकि हम अपना समय बचा सकें और उस समय का उपयोग बाकी के अन्य प्रश्नों पर किया जा सकता है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा है। दूसरा होता है शॉर्टकट, यानी जिसे हम तत्परता के साथ क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चर्चा इन दोनों ही मेथड्स की करेंगे, ताकि आप इन्हें जो भी उचित लगे समय के अनुसार सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। हमने मैथमेटिक्स के तहत आज चूज किया हुआ है जो टॉपिक का नाम है, वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अर्थात जिसे हम भिन्न कहते हैं। फ्रैक्शन के तहत हम बात आज कर रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों को हम कैसे जोड़ें, ऐड करें, उनको किस तरह से एक बनाएं, यूनाइट करें और उनके आंसर को लेकर के आएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप सभी के लिए जो आने वाली परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनता है, चाहे वो एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी हो या एसएससी सीजीएल की बात करें, एमटीएस की बात करें हम, उन सभी में कहीं ना कहीं ये चीजें आवश्यक बनती हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो इस फ्रैक्शन टॉपिक के तहत हम आज बात कर रहे हैं कुछ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का। अब फ्रैक्शंस जो होती हैं, जिनका एडिशन हम करते हैं, वो दो प्रकार की चीजों की चर्चा करते हैं, दो प्रकार के फ्रैक्शंस की बात हम उसमें करते हैं। एक वो होता है जिन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। लाइक फ्रैक्शंस का तात्पर्य यह है कि उनके डिनोमिनेटर्स समान हो, इक्वल हो। जो हम पहले यानी प्रीवियस वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होते हैं जो भी नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, हिंदी में कहेंगे हर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और इसे हम हिंदी में कहेंगे अंश। तो यहां पर 7/8, 2/8, यानी दोनों में जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो हर हैं, इक्वल हैं, समान है। डियर स्टूडेंट, ऐसी भिन्नों को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। तो ये लाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का एक सुगम और आसान तरीका यही है कि हमारे पास जो भी एडिशन होता है उसके तहत हम यही बात करेंगे, यही चर्चा करेंगे कि यहां पर हम बोल दें सम ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी जो भी हमारे पास यहां पर न्यूमरेटर्स आ रहे हैं, जो भी अंश आ रहे हैं, वो चाहे यहां पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं सबको हम ऐड कर देंगे यहां पर, जिसे हमने सम ऑफ न्यूमरेटर्स कहा है, सबको ऐड कर देंगे, प्लस हम हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे यानी डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर, यानी जो सामान्य है
कॉमन है और आपको पता है, देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ भी 8 है, ये भी 8 है, तो हम कॉमन यानी एक डिनोमिनेटर को यहाँ पर हम रख देते हैं और बाकी जितने भी हमारे पास न्यूमरेटर्स हैं सबको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर्स को सबको ऐड नहीं किया जाता है ना, उनमें से किसी एक का यूज करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इस पर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर्स के तहत यहाँ पर 7 और 2 है जिनका सम हो जाता है 9 और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ये हो गया आपका 8। तो यहाँ जब हमने इनको ऐड किया तो ये हो गए आपके लिए 9/8। ये एक आंसर हो सकता है, ये एक जवाब हो सकता है हमारा, है ना। लेकिन यदि हम इससे आगे चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9/8 जो है वो हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के तहत एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की संख्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसलिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के पास जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो होगा क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम डिवाइड करेंगे 8 का 9 में डिवीजन करेंगे तो 1 टाइम और यहाँ पर हम इसे सेपरेट करके 1 ले लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिमाइंडर। ये है क्वेश्चन और ये है आपका डिनोमिनेटर, इन्हीं तीन संख्याओं को यहाँ पर रख देते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/8 1/8 यानी यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, फाइनल जवाब हो जाता है हमारा, है ना। तो बस हमने क्या किया है, यहाँ पर सम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी न्यूमरेटर्स को ऐड किया है, डिनोमिनेटर में से किसी एक को जो कॉमन है वो लगाया है, आंसर हमारा होता है यहाँ पर सेकंड स्टेप होता है 9/8 और 9/8 को जब हम, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जो है सिंपल में चेंज कर सकते हैं, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बन रहा है यहाँ पर क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी डिवाइड किया हमने तो 1 टाइम क्वेशेंट हो गया, रिमाइंडर 1 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो 1/8 हमारा फाइनल जवाब हो जाता है डियर स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3/30, 7/30, यानी यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो 3 और 7 है, दोनों को आप ऐड कर दें तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये कॉमन रहता है, एक ही लिखते हैं, चाहे जितने यहाँ पर हों लेकिन डिनोमिनेटर कॉमन एक ही आएगा। अब यहाँ पर इसे 3 और 7 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा आपके लिए 10/30, ये हो जाता है एक जवाब हमारा, ये भी हो सकता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं इससे आगे जवाब तो हम यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, 10 और 10 3 30, यानी हमारे पास आंसर 1/3 भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। या हमारे पास दूसरा मेथड ये था कि हम यहीं पर इसको जो हमारे पास दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 है, 0 है, उस 0 को आप 0 से कट कर दें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो बिल्कुल वही होगा जो हमने पहले प्राप्त किया हुआ था, यानी यहां पर आंसर हमारा 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है, है ना। तो इस तरह से जो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं उन लाइक फ्रैक्शंस को हम इस तरह से हल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए अब एक और स्टेप लेते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लाइक फ्रैक्शन है इसमें कुल 3 टर्म्स हैं, यानी पदों की संख्या हमने अब बढ़ाई है 3 की है, लेकिन उससे हमें परेशान होने की, हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर फॉर्मूला है काम वो भी यहीं पर करेगा, यानी सम ऑफ न्यूमरेटर्स, हमारे पास न्यूमरेटर है 5, 1 और 5, यानी यहां पर हम लिख देंगे 5, 1 और 5 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 14, 14, 14, ऐड नहीं करेंगे, इनमें से कोई सा एक लगा देते हैं और इस तरह से हमारा अगला स्टेप हो जाता है 5+1+5, यानी
इन तीनों को ऐड करेंगे, जवाब हो जाएगा 5 and 5, 10 and 1, 11, यानी ये हो गया हमारे पास 11/14। 11/14 जो आप देख रहे हैं ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन कैसी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है। अब ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है, डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में जब तक नहीं होगा हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, यानी लोएस्ट टर्म में हमें इन्हें लाना ही होगा, वही फाइनल आंसर होता है। और ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में ऐसे हैं जो लोएस्ट टर्म को ही इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी एक संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कट नहीं कर सकते, यानी ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट टर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतर रूप में है, इसलिए फाइनल आंसर हमारा यही हो जाता है, डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? ये बात आपको स्पष्ट होना चाहिए। अगला स्टेप देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास थोड़ा सा चेंज आया है। वो चेंज ये है कि अभी तक हमारे पास जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स आ रहे थे वो सारे डिनोमिनेटर सेम थे, इसलिए ये तीनों लाइक फ्रैक्शन कहला रही थी, लेकिन ये जो है ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन का तात्पर्य यह है कि यहां पर डिनोमिनेटर 9 है, यहां डिनोमिनेटर 12 है, 12 है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या कार्य बनता है कि फर्स्ट, पहले हम क्या करें, फर्स्ट इक्वल डिनोमिनेटर्स, पहले हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक इनको हम इक्वल नहीं करेंगे हम इस फ्रैक्शन के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। तो पहले हम इसको इक्वल करते हैं डिनोमिनेटर्स को। इक्वल करने के हमारे पास दो तरीके ये हैं कि या तो हम 9 और 12 का एलसीएम ले लें। कैसे? जैसे देखिएगा 9 है 12 है, एलसीएम की कंडीशन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 3 4 दिस 1, 3 से 1 अगेन 1 एंड 4, और यहां पर हम 4 ले सकते हैं डायरेक्ट, वैसे 2 2 करके लेंगे, 2 into 2 है ना, 1 into 2, और अगले स्टेप में फिर से ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 भी ले सकते हैं। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 9 2 18 and 8 into 36, तो यानी हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया 36, ये बात क्लियर है? यस, 36 है। अब आपका अगला स्टेप क्या है? ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि हमको इक्वलाइज करना था, डिनोमिनेटर को इक्वल करना था, बराबर करना था। अब जब हमने ये काम कर लिया, हमें एलसीएम पता चल गया, तो अब हम क्या करें, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है पहले वाले टर्म का, इससे इसमें हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, है ना। और जब इसको हमने डिवाइड किया तो उसको हम यहां पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 36/9, यानी 4 टाइम डियर स्टूडेंट्स, 4 टाइम हो जाएगा। तो हमने यहां पर इसे डिवाइड किया 4 टाइम, है ना, और इस 4 का हम इस 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 into 4/36 प्लस। अब हम अगला स्टेप लेते हैं, ये 12 है, 12 का इसमें हम डिवाइड करेंगे, वही कंडीशन, और जो भी आंसर आएगा 12 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो ये 3 टाइम कट जाएगा, और इस 3 का हम इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 7 21 21/36। तो ये अब इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो एलसीएम लेने के बाद की स्थिति है, उसमें सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब ये बन चुकी है हमारे लिए, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 20। तो अब ये बन गया हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हो गया तो अब हमारा काम आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, आसानी से इनको हम ऐड कर सकते हैं। कैसे? देख सकते हैं 20 and 21, तो ये हो गया आपका 41 upon 36। और जब हम इसको, अभी देखिएगा, किसी भी एक नंबर से इनको हम कट नहीं कर सकते, क्योंकि 41 और 36 किसी भी
एक टेबल में साथ साथ नहीं आते हैं, इसलिए नहीं कट कर सकते किसी भी नंबर से। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, और बड़ा है तो ये कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी डियर स्टूडेंट्स। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं आंसर प्राप्ति हेतु, आंसर लाने के लिए। तो जब हमने 36 में डिवाइड किया तो ये आज का जो भागफल है यानी क्वेश्चंट है वो 1 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा यही डिवाइड करके देख लीजिएगा, 11 6 1 और 4 3 1 यानी अपॉन 36। तो ये 1 हो गया क्वेश्चंट, 11 हो गया रिमाइंडर, और 36 हो जाता है डिनोमिनेटर, और ये आपका जवाब बिल्कुल तैयार है आपके पास। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आया है वो यही है जिसे हम पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, 1 राइट 11 अपॉन 36। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का कैलकुलेशन, आज का प्रयास, आज की कोशिश जिसमें हमने फ्रैक्शंस की चर्चा किया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की चर्चा किया हुआ है, जिसमें हमने कुछ लाइक फ्रैक्शन को लिया और 1 हमने यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन को लिया, और इस तरह से हम इनके साथ आगे बढ़े। उम्मीद है मैं कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने अन्य कुछ इस प्रकार के फ्रैक्शन के साथ में। और डेफिनेटली यदि वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो ने आपकी दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ी है, आपके दिलों में एक स्थान बनाया है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ चैनल के लिए यदि आप नए हैं, पहली बार दस्तक दे रहे हैं, तो लाइक करने के साथ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते ही वहां पर एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटी जैसे बटन को भी आप पुश कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए जितने भी वीडियोज हैं, नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, क्योंकि उनकी आपको जरूरत है आने वाले टाइम में, वो आपके पास पहुंचते रहें और आपकी तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। वेल, मैं हूं H.M. रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जिसने उठाना है सफलता तो आपको दिलवाना ही है, किसी भी कीमत, किसी भी हालत में। तो वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।